बच्चों, सिक्स क्लास शिक्षक के जीके में आप लोग का पुनः क्या है पर स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसके आगे हम लोग क्या है उसके आगे हम लोग थोड़ा सा पार्ट और जीके का पार्ट पढ़ेंगे। ओके, आप जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग क्या है यूएनओ के बारे में पढ़े थे, उसके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़े थे, ठीक है, और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में हम लोग स्टडी किए थे। ओके, आज हम लोग उससे आगे क्या था क्वेश्चन या क्लास देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चन एक उठा पड़ता है न्यूक्लियर पावर सेंटर या प्लांट्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सा परमाणु केंद्र स्थापित किया गया है। ओके, इसे क्वेश्चन उठा करता है क्या था न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया। हमने बताया ना कि इंडिया में कौन कौन सा क्या परमाणु शक्ति केंद्र बनाया गया है, ठीक है। देखो ना, आप जानते हो सबसे पहला जो प्लांट है वह है तारापुर। कौन है? तारापुर, ठीक है, पावर स्टेशन। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन आप जानते हो यह इंडिया का सबसे पहला फर्स्ट एटॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया। कौन है? तारापुर। ठीक है, फर्स्ट एटॉमिक सेंटर ऑफ इंडिया कौन है? तारापुर। तारापुर कहां पर है? ज्यादातर महाराष्ट्र में पड़ता है। ओके, कहां पड़ता है? महाराष्ट्र। देखो अब अज्ञानता क्वेश्चन पुट अप करता है, ठीक है, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट। कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीक है, कौन सा स्टेट है? कुदनकुलम बेटा प्लेस है, कहां पड़ता है? तमिलनाडु। ओके, क्लियर। थर्ड इंपॉर्टेंट है राजस्थान एटॉमिक क्या का पावर स्टेशन, जो कहां सिचुएटेड है? रावतभाटा। इसको बेटा रावतभाटा एटॉमिक सेंटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रावतभाटा एटॉमिक सेंटर। ओके, क्लियर। फोर्थ है कैगा एटॉमिक सेंटर, एटॉमिक पावर स्टेशन या सेंटर, ठीक है, कहां पर? कैगा। कैगा कहां पड़ता है? कर्नाटक। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन ये पुट अप कर चुका है सीएचएस में, और समझे नाइन सीएचएस में ये क्वेश्चन पुट अप कर चुका है, सिक्स में पुट अप कर चुका है। ओके, नेक्स्ट का मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कहां पर है? कल्पाकम। इसको कल्पाकम एटॉमिक सेंटर भी बोलते हैं। कहां पड़ता है? चेन्नई।
नेक्स्ट था काकरा पारा, ठीक है, कहां पर है काकरा पारा? गुजरात। ओके क्लियर। नेक्स्ट था नरोरा, नरोरा ट्राइबल से कहा बेटा? नरोरा उत्तर प्रदेश। ओके तो जाने का ये सिक्स सॉरी सेवन जो एटॉमिक सेंटर है ये इंडिया का क्या है इंपॉर्टेंट एटॉमिक सेंटर है, और इससे क्वेश्चन मैक्सिमम एक क्वेश्चन क्या पर ईयर करके पुटअप करता है। तो मैंने क्या बताया तारापुर कहां पर स्थित है बेटा? तारापुर महाराष्ट्र, देख रहे हो तारापुर, तारापुर महाराष्ट्र। कुदमकुलम कहां पर है? कुदमकुलम तमिलनाडु में। ओके राजस्थान एटॉमिक, इसको रॉबर्ट भाटा भी बोलते हैं, रॉबर्ट भाटा राजस्थान। ओके कैगा एटॉमिक हॉल, कैगा कर्नाटक। मद्रास इसको बोलते हैं बेटा कल्पक्कम। ओके कहां बेटा? चेन्नई। नेक्स्ट है काकरापारा एटॉमिक पावर, काकरापारा गुजरात। नरोरा एटॉमिक सेंटर कहता नरोरा उत्तर प्रदेश। ओके ठीक है बेटा। देखो हम लोग सम इंपॉर्टेंट प्लेटो के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पुटअप करता है कि वेयर इज सिचुएटेड ऑफ द तिब्बत प्लेटो, सिचुएटेड ऑफ द तिब्बत प्लेटो, ठीक है। ओके जनरेट तिब्बत प्लेटो को रूफ ऑफ द वर्ल्ड, क्या था रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी जाना जाता है। तिब्बत प्लेटो को किस नाम से जाना था? रूफ ऑफ द वर्ल्ड के नाम से भी वो पॉपुलर है। ठीक है अब जानते हैं तिब्बत प्लेटू का हाईएस्ट जो पीक है माउंट एवरेस्ट एंड केटू, ठीक है। लेकिन आप जानते था यह भाग क्या है माउंट एवरेस्ट का जो हिमालयन पार्ट में, केटू का काराकोरम पार्ट है, ठीक है। ओके ओके जनरल तिब्बत प्लेटो जो है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टेक्टोनिक जो प्लेट है टकराने से इसका क्या था ओरिजिन हुआ है। ठीक है
नोट कर लिए। अगला है लॉरेंटियन प्लेटो, कहां पर है? कनाडा। इसको बेटा कनेडियन सेल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बेटा मैक्सिकन प्लेटो, मैक्सिको में है। ठीक है, मैक्सिकन एल्टी प्लानो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कनाडा मैक्सिको जो है यह सिल्वर के लिए क्या था वर्ल्ड में सबसे बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा माइन का भाग माना गया है। कनाडा फेमस द वर्ल्ड बिगेस्ट सिल्वर माइन, इसी पार्ट में यह क्या था सीओ कि हो कैटा सिचुएटेड है। ओके, पैटागोनियन प्लेटो कहां पर? अर्जेंटीना। कौन सा था? पैटागोनियन प्लेटो कहां पर है? अर्जेंटीना। ओके, नेक्स्ट अल्टीप्लानो प्लेटो या बोलिवियन प्लेटो के नाम से जाना जाता है। ओके, यह क्या था बोलिविया। ठीक है, सिल्टा आप जानते हो बोलिविया और पेरू दोनों रीजन में है। ओके, मासेस सेंटर कहां पर है? फ्रांस। ठीक है, एंटोनियन प्लेटो वेयर सिचुएटेड? टर्की। ओके, क्लियर। स्पेनिश प्लेटो या
एब्रेरियम प्लेटो वेयर सिचुएटेड स्पेन। ये प्लेटो कहां सिचुएटेड है? स्पेन। ओके नेक्स्ट लोएस प्लेटो वेयर सिचुएटेड चाइना। बेटा ये सब पठारी भाग है, ये अलग अलग स्थान पर यह कैटा सिचुएटेड है, इसी नाम से वह जाना जाता है। ओके अब जरा ये जो लोएस कैटा पठार है, लोएस का पठार जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको हंगेट प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है, हंग टू, ठीक है, हंग टू प्लेटो के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट है पोथलर या पाथलर, पाथोहर, ठीक है। प्लेटो कहां पर है? पाकिस्तान में। ये सिचुएट आपका इम्पोर्टेंट क्या है, प्लेटो पार्ट था जो क्वेश्चन पुटअप करता है। क्लियर? ठीक है। आपको बेटा बोरियन प्लेटोज वेस्टेड जर्मनी, ठीक है। इसको अल्पाइन फोरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। किसको था? बोरियन प्लेटो वेस्टेड जर्मनी। कहाँ स्थित है प्लेटो पार्क? पठारी भाग जर्मनी में स्थित है। इसको अल्पाइन फोरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर प्लेटो कहां पर था? अल्जे। इसको बेटा ओगर के नाम से भी जाना जाता है। ओके ठीक है।
आपको बताया। एक दूसरा हमने बेटा एटॉमिक सेंटर पढ़ाया था अभी, पहला टॉपिक हमारा था का एटॉमिक सेंटर, ओके उसमें सेवन मैंने बताया था, उसके बाद प्लेटू बताया, ठीक है। अब आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वह है कैटा रिफाइनरी सेंटर। बात समझे, ठीक है। देखो इंडिया में सम ऐसे कैटा रिफाइनरी सेंटर हैं जो क्या है, ऑयल को रिफाइन करने का वर्क करता है, ठीक है। इसको बेटा ऑयल को रिफाइन करने का वर्क करता है, ठीक है। जनरेटर जो ऑयल पाया जाता है वह किस रूप में पाया जाता है ये जानते ही हो, ठीक है। प्योर पेट्रोलियम के रूप में नहीं रहता, पेट्रोलियम ऑयल के रूप में, कच्चे पदार्थ के रूप में रहता है, ठीक है। उसको हम लोग रिफाइन करके उसको अलग अलग रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो वह रिफाइनरी सेंटर कहाँ कहाँ पर है, ओके। सबसे पहले बेटा विशाखापट्टनम रिफाइनरी सेंटर,